बीते दिनों पहले दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस पाठ्यक्रम में शामिल लेखक और चिंतक कान्या इलैया शेपर्ड की किताबों को हटाने का प्रस्ताव रखा गया। शैक्षणिक मामलों को देखने वाली विश्वविद्यालय की स्टैंडिंग कमेटी की पिछली बैठक में ये प्रस्ताव रखा गया कि इलैया की किताबें एमए पॉलिटिकल साइंस के पाठ्यक्रम से हटाई जाएं, क्योंकि वह कथित तौर पर हिंदू धर्म का अपमान करती हैं। एक चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय अलग अलग विचारों को पढ़ाने उन पर चर्चा करने के लिए होते हैं। वहाँ 100 तरह के विचारों पर बात होनी चाहिए। विश्वविद्यालय कोई धार्मिक संस्थान नहीं है जहाँ एक ही तरह के धार्मिक विचार पढ़ाए जाएं। मेरी किताबों को हटाने की पहले कोशिश की जा चुकी है और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गैर शैक्षणिक है। उनका कहना है कि मेरी किताबें डाटा पर आधारित नहीं है, संदर्भित नहीं है। इन्हें पढ़ने की बात छोड़िए, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने मेरी किताबें देखी भी नहीं है। गॉड इज पॉलिटिकल फिलोसोफर मेरी PhD थीसिस है और इसमें ढेरों संदर्भ हैं। ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की राजनीति विचारों पर है। अकादमिक काउंसिल में शामिल एक और प्रोफेसर का कहना है कि उनकी किताबों में कोई कंटेंट, कोई तत्व नहीं है। इसको लेकर कांचा इलैया ने कहा कि अगर मेरी किताबों में कोई कंटेंट नहीं है तो ये इतने सालों से पाठ्यक्रम में क्यों थी, क्यों इन्हें पढ़ाया जा रहा था। शिक्षक शैक्षणिक समितियां और विभागीय कमेटी जिनके अध्यक्ष विभागाध्यक्ष स्तर के लोग होते हैं जो खुद राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं, सभी किताबों के कंटेंट को पढ़ते हैं, परखते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय तो इसके मानकों के लिए जाना जाता है। अगर किताबों में कोई तत्व नहीं था तो उन्होंने ऐसी किताबों को कोर्स में शामिल कैसे किया। और जो प्रोफेसर कह रही हैं कि मेरी किताबों में कोई शैक्षणिक कंटेंट नहीं है, क्या इन्होंने मेरी किताब पढ़ी है? बिना पढ़े कोई शिक्षाविद या प्रोफेसर ऐसे किसी किताब पर टिप्पणी कर सकता है जो पहले से ही पाठ्यक्रम में शामिल है। बात सिर्फ उतनी ही है कि जिन किताबों से आप सहमत नहीं हैं उन्हें हटा रहे हैं। इतने सालों से छात्र इन किताबों को पढ़ रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं। क्या वे कहना चाहती हैं कि इतने सालों से इन किताबों को पढ़ने और पढ़ाने वाले मूर्ख हैं? और अगर ये प्रोफेसर इस बारे में गंभीर हैं तो उन्हें मेरी किताब की समीक्षा लिखकर इस प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित करनी चाहिए, तब मैं इन विचारों पर जवाब दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।